प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में कहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दरअसल भारत विश्व की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 18 महीने में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। मोदी ने कहा है कि भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, इसके बावजूद जहां विकास के काम में काफी तेजी आई है, सड़क निर्माण से लेकर कृषि, रक्षा, तकनीक और पर्यटन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। मोदी जी ने भारत की रेटिंग बढ़ाई है और हमने बढ़ती महंगाई पर भी काबू पाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 13वें आसियान इंडिया समिट और 10वें ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने पहुंचे हैं। भारत 10 साल पहले बने ईस्ट एशिया ग्रुप का फाउंडर मेंबर है। ईस्ट एशिया समिट में पेरिस हमले के बाद आतंकवाद का मुद्दा छाए रहने की भी पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री की 3 दिन की मलेशिया यात्रा के दौरान आतंकवाद, मानव तस्करी, समुद्र सुरक्षा, दक्षिण चीन सागर विवाद और बिजनेस पर भी विचार विमर्श होगा। मलेशिया में 20 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। द इंडियन इकोनॉमी फेस सीरियस चैलेंजेस, अ हाई फिस्कल डेफिसिट, ए हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड ए परसिस्टेंट इन्फ्लेशन वेर अमंग देम। It was obvious that reforms were needed. We asked ourselves the questions: reforms for what? What is the aim of reform? Is it just to increase the major rate of GDP growth? Or is it to bring about a transformation in society? My answer is clear. We must reform to transform. In short, reform is not an end itself. Reform for me is just a way station on the long journey to the destination. The destination is the transformation of India. We have to touch lives while reaching for the sky. By almost every major economic indicator, India is doing better than when we took office 18 months ago. GDP growth is up and inflation is down. Foreign investment is up and the current account deficit is down. Tax revenues are up and interest rates are down. The fiscal deficit is down and the rupee is stable. Obviously, this did not happen by an accident. And the world economy is not exactly doing well. This success is the result of a series of concentrated policies.